हेलो एवरीवन, कल कुछ टीचर्स ने कहा था कि आपने इसे कैसे बनाया, इसका ट्यूटोरियल बनाइए। तो आज मैं इसको खोल करके आपको दिखाऊंगा कि हमने इसे कैसे बनाया। सबसे पहले हम एक एक्सल नट लेंगे, ये साइकिल वाले से मिल जाता है। इसके अंदर गुलमेक से हमने इसके अंदर छेद करके इसके एक्सल नट को लगा दिया हमने, 20 रुपये का मिल जाता लगभग। फिर हमें साइकिल वाले जो शॉप होते हैं उससे पुराना साइकिल का या पहिया लेंगे, मतलब 40-50 रुपये का मिल जाता है। और इसको एक्सल नट के अंदर इसको आसानी से लगाया जा सकता है। और देखिए इसको मूविंग करके दिखा रहे हैं, कितना सुंदर मूव कर रहा है। इसके अंदर हम अपने TLM को भी अटैच कर सकते हैं। अब देखिए ये हमने जो TLM बनाया था इसको हम खोल करके दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। और सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। ध्यान से देखिए, हम बनाएंगे कि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लाएंगे वी को एरो के बिल्कुल नीचे, सबसे ऊपर वाले एरो के नीचे, देखिए वी आ गया। अब इसके बाद कर सकता है, सकता हम क्या कहते हैं, कैन। तो देखो दूसरे एरो के नीचे कैन आ गया है। अब तीसरे नंबर के एरो पे लाएंगे हम कर सकने के लिए डू, तो देखो यहाँ पर डू आ गया है। और फोर्थ पे कुछ नहीं आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। और यहाँ पर हमने एक एरो लगाना था, वो हमने लगाया नहीं है, हम बाद में लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले हम इसकी सबसे पहले नंबर की व्हील को उतारेंगे, दूसरे नंबर को व्हील की उतारेंगे। अब हम इसके अंदर से इसको एक्सल नट से इसके पेज को घुमा घुमा करके खोलेंगे। देखिए किस तरह से इसे घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, और ये खुल गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पर साइड में नीचे रख देंगे, यहाँ रख दिया हमने। अब जो इसका लास्ट वाला व्हील है इसको हम उतारेंगे, जो हमने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है, देखिए। और हम इसको अब नीचे साइड पर रखते हैं, ये रख दिया। अब देखिए जो हमारा जो मेन व्हील है, देखिए सबसे पहले हमने इस पर क्या किया, हमने इसका रेनबो बनाया, गत्ते को सर्कल की शेप में काट के रेनबो बनाया है। और उसके ऊपर फिर हमने लेमिनेशन कर दिया है, और फिर इसको ऊन की सहायता से जो है हमने इसको पहिए के चारों ओर बांध दिया है। और हमने तितली भी बनाई है, तितली के ऊपर भी हमने लेमिनेशन किया। देखो इसका बेनिफिट लेमिनेशन करने का रहता है कि हमारी चीज़ जो है परमानेंट सी हो जाती है, जल्दी से इस पर धूल मिट्टी पानी वगैरह से इसका बचाव होता है। और देखो तितली को मैं इसको उतार करके भी दिखा रहा हूँ, उतारा भी जा सकता है। इस तरह से इंद्रधनुष जो हमने रेनबो बनाया इसको भी उतारा जा सकता है, और इसके कोई और TLM भी टांगा जा सकता है। अब देखो मैं इसको जो हमने ये लगाया इसको खोल करके दिखाता हूँ, जो गत्ते के ऊपर हमने बनाया था ये देखो अलग हो गया। ये साइकिल का जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये गत्ते का, ये साइकिल का स्पोक होता है, तार होती है ना, छोटी वाली तार मिलती है उसके, जो साइकिल के स्पोक के अंदर आप देखेंगे इसका जो पेच होता है, हमने पेच को वेल्ड करवाया था यहाँ पे, और फिर हमने इस पेच के अंदर तार को घुमा दिया और ऐसे ही ये हमारा फिट हो गया। ऐसे ही हमने चारों तरफ से सारे के सारे साइकिल के पेच को फिट किया हुआ है, जिसको हम आसानी से उतार करके किसी भी बैग में आसानी से रख सकते हैं। ऐसे ही हमने दूर बड़े वाला व्हील बनाया। इसके लिए हमने क्या किया है, एक जो शीशी का ढक्कन होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर हमने छेद किया है, और जो स्पोक का जो पेच होता है उसको हमने इसके अंदर M-seal से चिपकाया, और साइकिल की जो स्पोक को लगाया, दो जो साइकिल के तीन स्पोक को हमने धागे से जोड़ जोड़ करके इसको एक अच्छी लंबाई का आकार दे दिया है। और वही दोबारा हमने गत्ता काट करके और इसमें प्रोनाउंस और नाउन के नाम लिखे हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हमने लेमिनेशन किया ताकि इसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। इस तरह से हम पूरे के पूरे स्पोक के धागों को उतार करके आसानी से इसको फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से हमारा देखिए। और ये देखिए दूसरे वाले जो हमने बनाए थे ये व्हील्स है, ये देखिए ये भी बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर बेस हैं। ढक्कन के अंदर हमने M-seal से पेच को स्पोक वाले को अटैच किया, और उसके अंदर स्पोक को अटैच कर दिया, और ऊपर हमने इस तरह से काट करके लगा दिया है। ये देखिए हेयर दिस क्रॉस फ्लाई रन वर्ब भी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स भी। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट तैयार हो गया।